और दी बोटे कहता है मेरे पापा ख़त्म होएगा, बच्चे छोटे छोटे भाई को छोड़े के मरेगा, ख़त्म होएगा था। और अब क्या करेंगे, हमारे भाई बहन क्या करेंगे, दोनों बहन के साथ ही हो गए, भाइये हैं दोनों छोटे छोटे, पत्थर तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, दिन हाजिरे दे दे के खा पी रहे हैं, कैसे घर चलेंगे, कैसे क्या हुआ। और इनका जो NRC का जो हियरिंग, वो हियरिंग यहाँ से करीब करीब 300 किलोमीटर दूर नगाँव डिस्ट्रिक्ट में जाना जाके देना पड़ा। इतना खराब हो चुका है मतलब सिस्टम, वहाँ पे जब जाता है लोग तो उनको भी पैसा देना पड़ता है, इस गेट में पैसा, उस गेट में पैसा। एक औरत जाता है अपना मर्द को देखने के लिए तो वहाँ पे भी पैसा। जो उनका जो हस्बैंड जो ट्रेन के आगे जाके अपना सुसाइड किया है, उसका कारण और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ NRC है, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार असम गवर्नमेंट है। में इमिग्रेंट एक्सपल्शन का तहत में कोई लाख लोग को वापस किया जाता है, 60s में भी PIP में किया जाता है, फिर आपका 70s में आपका 79 से आसाम एजिटेशन बा आसाम मूवमेंट शुरू होता है। और पीपीएस में कोई ना कोई ये मुद्दा मतलब फॉरेनर इश्यूज पे या सिटीजनशिप इश्यूज पे आता ही रहा आसाम। तो 79 से 85 तक आपका आसाम में मूवमेंट चला, कोई कोई RSS लोग ने बोलता है जो ये हमारा ही मूवमेंट था, ऑल रिकॉर्ड भी बोला हमारा ही मूवमेंट था सामने आंसू, वो लोग जैसा क्लेम करता है। तो वो मूवमेंट चला 85 में, 85 का आपका 15 अगस्त का रात को 12 बजे आसाम पर साइन किया जाता है राजीव गांधी का टाइम, मतलब आसाम गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और आशु का बीच में वो सीधे साथ मतलब एकॉर्ड है। उस एकॉर्ड में आसाम ने सिटीजनशिप का एक कट ऑफ डेट मतलब क्रिएट किया जाता है। वो कट ऑफ डेट क्रिएट जो करता है वो आपका इन रिलेशन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। इनका नाम है तैयबुर रहमान और इनका पिताजी का नाम है मानेद्दीन। ये सफाकामा में रहने वाला है, पूर्व सफाकामा में, और ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट है। तो इनका कहना यही है, ये लोग तीन भाई और 5 बहन है, उनमें से 2 बहन का शादी हो गया है और ये पूरा लोग इनका पिताजी का लीगेसी, मतलब इनका पिताजी का पिताजी ग्रैंडफादर का लीगेसी कोड यूज़ करके फॉर्म फिलअप किया था NRC के नाम आने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, इनका जो 2 बहन है उनका नाम तो आ गया और ये इन लोग का बाकी जो भाई बहन है ये पूरा लोगों का नाम नहीं आया। और उसमें दिखाया जो नाम जो नहीं आने का जो कारण है वो दिखाया डिसेंडेंट ऑफ डिबूटर्स, मतलब इनका अम्मी जो है वो अम्मी का नाम पे डिबूटर पहले था रहीला खातून। असम में जो NRC के काम चल रहा है ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हर महीने में इस काम का मॉनिटरिंग कर रहा है और असम का सारे लोगों ने इसमें कोऑपरेशन भी कर रहा है। ख़ास करके असम का जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और रिलीजियस माइनॉरिटी है, दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इस प्रोसेस में पूरा का पूरा कोऑपरेशन किया है। और NRC का ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद जितना लोगों का नाम एक्सक्लूड हुआ था सारे लोगों ने क्लेम एप्लीकेशन फाइल किया था और क्लेम के बाद उन लोगों का हियरिंग हुआ था, वेरिफिकेशन हुआ था और हर वेरिफिकेशन का प्रोसेस में और हर हियरिंग का प्रोसेस में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी लोगों ने पूरा का पूरा कोऑपरेशन किया है। और NRC के रूल में एक बात था जो किसी को हियरिंग में बुलाना है तो कम से कम 15 दिन टाइम दे के उनको बुलाना है, लेकिन अचानक क्या हो गया, NRC अथॉरिटी ने पहले 15 दिन टाइम दिया था लेकिन
धीरे धीरे दिन जा रहे हैं, उन लोगों ने उन लोगों का रूल अपना आप खुद चेंज कर रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल ले रहा है, ना लोगों के साथ बात कर रहा है, अपना अपना खुद ने वो चेंज करके अचानक ये लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए लोगों को नोटिस दे रहा है 4 दिन 5 दिन पहले, ऐसे ऐसे करके बाद में ऐसा हो गया। आज का तारीख में, आज 24 तारीख है, 31 तारीख को NRC पब्लिश हो जाएगा। आज का तारीख में लोगों को बुला रहे हैं, सुबह नोटिस दे के शाम को बुला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये हमारा तेवर भाई का नाम NRC में नहीं आया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक मतलब छूसने का बात यही है, ये जो NRC का काम जो चल रहा है ना असम में, ये बात को लेकर के कितना लोग कितना हैरानी हो रहा है वो आप सुन के तज्जुब हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, अभी तैबर भाई इनका ग्रैंडफादर का लीगेसी यूज़ किया था, उस हिसाब से इनका जो पिताजी है और वो पिताजी क्या भाई वगैरह मिल के से और बहन वगैरह सब है, तो वो पूरा लोग यही लीगेसी यूज़ किया। और इनका जो NRC का जो हियरिंग यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर नगाव डिस्ट्रिक्ट में जाके देना पड़ा। और ये एक बार नहीं है, ये इनका बोलना है, ये अभी जो बताया है एक दो बार नहीं, ये 4 बार इनका हियरिंग है। आप एक बार पता कर लीजिए, एक मालूम कर लीजिए, यहाँ से यह पूरा फैमिली ट्री में जो आता है पूरा मतलब 50 लोग से ज़्यादा लोग यहाँ से बाज पकड़ के बाज किराया में लेके एक दिन उधर हल करके उधर हियरिंग देना पड़ा। ऐसा सिचुएशन इन लोग का आ गया है, फिर भी अभी तक इनका कोई एश्योरेंस नहीं है नाम आएगा क्या नहीं आएगा। तो असल में ये जो हियरिंग का ये जो सिस्टम है ना, ये इस सिस्टम में इन जैसे ऐसा हजारों लाखों फैमिली है, आपको पता चलेगा ये जो घर है आप देख के, इसका फैमिली है, ये बच्चा है, ये सब लेके जिंदगी गुजर रहे हैं, फिर भी एक दो बार नहीं है, कई बार, ये तो 4 बार हो गया है। कुछ लोग ऐसा है 5-7 बार तक हियरिंग में जाना पड़ा, अटेंड करना पड़ा। तो आप एक बार पता कर, एक बार मालूम कर लीजिए, एक बार सोच लीजिए कितना फाइनेंशियली इफेक्ट इनका ऊपर हो रहा है। जिनका नाम है हजरा खातून, वाइफ ऑफ लेट अंबर अली, विलेज सुनबरी, गोवर्धना PS, बक्सा डिस्ट्रिक्ट। तो इनका फैमिली का जो हेड था, उनका पति अंबर अली, उनका वोटर लिस्ट में 1997 से डी लगा हुआ था, तो उसी टाइम से वो लोग वोट डाल नहीं पा रहे थे। तो असम में जब से NRC का काम शुरू हुआ है, तो वो लोग NRC के लिए अपील भी किया था, तो NRC का जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें इनका फैमिली का किसी का भी नाम इंक्लूड नहीं हुआ है। तो उसका बाद फिर क्लेम भी वो लोग किया है उनका नाम NRC में शामिल होना है बोल के। तो उसका बाद उन लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया था बक्सा डिस्ट्रिक्ट में, बर्मा बोल के एक जगह में, 6 जून तारीख को। तो उधर वो लोग उससे पहले भी 3 बार मसलपुर और जाला में हियरिंग करके आया है, तो बाद में भी उन लोगों को बर्मा में हियरिंग के लिए बुलाया था। तो उधर जाने के बाद वो हियरिंग में जो ऑफिसर था वो उनको बोला कि आपका वोटर लिस्ट में डी लगा हुआ है, आप तुरंत कोर्ट में जाइए, 1 महीने के अंदर कोर्ट से एक ऐसा कॉपी लेके आओ जिसमें आपका वोटर लिस्ट में डी नहीं हो, एक जाजमेन कॉपी लेके आओ। तो वो उधर से आने के बाद पूरा मोहल्ला में गांव का जितना आदमी है उन लोगों के पास गया, वकील के पास गया है, तो वकील ने बोल दिया कि 1 महीना में जो डी वोटर का जो मामला है उनका कॉपी मिलना इतना आसान नहीं है। तो 1 महीने के बाद 7 जुलाई को वो घर से लापता हो गया। घर वालों ने अपने रिलेटिव में खबर भी किया है, उनको नहीं मिला। तो उसका बात किसी एक अनजान आदमी से खबर मिला है, बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन के पास किसी एक आदमी का डेड बॉडी उधर है। तो घर वालों ने बरपेटा रोड रेलवे स्टेशन पर पता किया, तो एक के तब पता करने के बाद उन लोगों को पेंशन में आया जो डेड बॉडी उधर है उनका, ये इस घर का अंबर अली है बोल के। तो अभी ये लेडी को कहना है कि जो उनका जो हस्बैंड जो ट्रेन के आगे जाके अपना सुसाइड किया है,
उसका कारण और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एनआरसी है, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार असम गवर्नमेंट है, तो उसका कहना भी ऐसा है। तो इसका घर में अभी उनको गुजारने के बाद फैमिली बहुत खराब हालत से अभी चल रहा है। फैमिली में काम करने के लिए इतना मेजर आदमी भी नहीं है, उनका फैमिली अभी बहुत दुख से अभी चल रहा है। इसके पहले आसाम एजुकेशन के बाद ही बहुत सारे आदमी को, ये धर्मीय संख्यालघु, ये भाषिक संख्यालघु आदमी को डी वोटर लगा दिया, डाउटफुल वोटर, ऐसा तो नाम का सामने एक डी वो लोग वोटर लिस्ट पे बैठाया और ये लोग को डिस्प्यूटेड वोटर हिसाब से, डाउटफुल वोटर हिसाब से वो लोग को रखा गया और वो लोग का वोटिंग राइट से वो लोग को बाहर कर दिया और ये लोग फॉरेनर बोल के ये जो डी भीतर लोग है, इससे बहुत सारे लोग को आज डिटेंशन कैंप में भेज दिया। वो डिटेंशन कैंप जैसे जो है, हम लोग का ऐसा लगता है कि जो हिटलर का जमाना में जो कंसंट्रेशन कैंप बनाया था, वैसा एक कैंप तैयार किया ये धर्मीय संख्यालघु लोग को निधन करने के लिए, ये भाषिक संख्यालघु लोगों को निधन करने के लिए, ये एक कंसंट्रेशन कैंप जैसे हिटलर बनाया था वैसा एक कंसंट्रेशन कैंप बना के इसको ये लोग जो डिटेंशन कैंप बोला है इसमें रखा हुआ है। सबसे बड़ी दुख का बात यही है, ये अगर फॉरेन नेशनल हो तब भी दूसरा बात था, इसमें भी ह्यूमन राइट्स का सवाल है, तब भी दूसरा बात था कि जे ये लोग इंडियन सिटीजन है, बहुत सारे इंडियन सिटीजन को आज फॉरेनर्स बोल के, डी वोटर बोल के वो लोग डिटेंशन कैंप में आवत किया। जो मुकद्दस अली है, इनका वाइफ है, ये अभी करीब 3 साल हो गया, 3 साल से वो डिटेंशन कैंप पे है। और इनका जो पहले का कागजात है ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये कागजात है पहले का, 1971 का ये कागज़ है, इनमें इनका नाम है मुकद्दस अली। उसके बाद में 97 में भी मुकद्दस अली है, 2005 में इसका नाम आया है मुकसद अली। और इनका वोटर आईडी वगैरह सब में मुकसद अली है, बूट में नाम भी है, सब कुछ क्लियरलेस है। उसके बाद में फिर कोर्ट से नोटिस आया 2 बार, वो हाजिरा देने के लिए गया, बाद में 2 बार की बात फिर जब बुलावा आया उस टाइम वापस गया कोर्ट में, उनको उधर से हिरासत में लेके गया। ले जाने के बाद में फिर वहीं पे है अभी तक। इन लोगों का जो परिवार है वो लोग मजदूरी करके कुछ भी करके चल रहे हैं अभी, और वहाँ पे बीमार पड़ता है फिर भी मतलब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है डिटेंशन कैंप में। अभी ये लोग मजदूरी करके ऐसे इतना मेहनत करके पैसा कमाता है, फिर इन लोगों का घर का परिवार देखेगा या वहाँ पे जाके देखेगा? अभी इनका हालात ऐसा है, अभी इस हालात में ये लोग क्या करेगा? वहाँ का जो मतलब खाना पीना है वो भी मतलब सही ढंग से नहीं देता है, खाना पीना भी सही ढंग से नहीं देता है। और यहाँ पे जाने जब जाता है, ये जब जाता है वहाँ पे देखने के लिए हैं उनको, तब वहाँ पे भी पैसा देना पड़ता है देखने के लिए। इतना ख़राब हो चुका है मतलब सिस्टम, वहाँ पे जब जाता है लोग तो उनको भी पैसा देना पड़ता है, इस गेट में पैसा, उस गेट में पैसा, ये कौन सा सिस्टम है? एक औरत जाता है अपना मर्द को देखने के लिए तो वहाँ पे भी पैसा। और इनका घर में करीब 6-7 बच्चा है इनका, और एक अकेली औरत इस घर को मतलब जैसे तैसे चला रहा है, जैसे तैसे बहुत मुश्किल से। कोई त्यौहार आता है तो उसमें ना कपड़ा दे सकता है इन लोगों को, ना रोटी ना खाना। एक लड़का पढ़ता है कॉलेज में, उनको भी मतलब सही ढंग से अपना जो कपड़ा है वो भी दे नहीं सकता है, और कॉलेज का फीस देने में किसी के पास से उधार लेके भी देना पड़ता है। इतना मतलब मुश्किल हालात में ये जी रहा है। Food, etc. Their menu is there. Mm-hmm. These persons are not getting anything. They do not come under the government of that consideration. Yes. So they are completely at the sympathy of that. Those convicts are having statutory right. They have got a legal right to get this type of food, this type of drink, this type of people, etc. But here, this group do not get anything. Our Supreme Court has given, of course, 3 years after 3 years, some money will be given. But that is very difficult. The conditions which have been imposed, I don't think how many people will be allowed to come.
at present about 1147 people are in 6 collection camps at present. 1145. There are also cases where people have died inside these detention camps. People have died. Yeah, and you see the ladies, right. A TS lady, a TS lady, with children of 6 months, 2 months, 1 year, their children become yes. Who will take care of them? Exactly. And so, human rights complete violation of human rights. The detention camp concept is completely violation. System to prepare the error-free voter list under such situation, the name discrepancy, title discrepancy should not be ground to declare a person as a foreigner. The Supreme Court, the Honorable Supreme Court in a recent case has categorically said that the variation of name, shifting of residence cannot be ground to doubt one's citizenship. Despite that, we are finding that the tribunals are declaring foreigners. The Honorable High Court is also not looking into this. So, this type of is a sense of alienation is deep rooted, and that all that deep this the alienation, the percolation of the alienation is not a mere sense of alienation. It is the infected the entire adjudication process, and the reason behind is that this has been cases are decided on political, and political alienation has been set up by the report of the Governor S.K. Sinha in 8/4/1988. The Governor of Assam, the then Governor of Assam, submitted a report to the Honorable President, addressing the Honorable President with an allegation that Lower Assam is flooded with the Bangladeshis and those who are mostly Muslims. This is the allegation, and Honorable Supreme Court unfortunately believed this without any ground level verification, accepted it as a gospel truth. इससे हमको डर बढ़ जाता है कि जिन्हें इनका नाम पहले भी बहुत लोगों का नाम सुन गया, हमने काम किया, लोगों के साथ काम किया, पता चला कि जितने लोग मिल चुके हैं इतने दिनों में इट्स लॉन्ग टाइम एनआरसी जब से शुरू हुआ तब से हम लोगों के साथ हैं. एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला या एक भी ऐसा फैमिली नहीं मिला जिस फैमिली को अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं है. पूरा डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन है. उनका अंकल का नाम एनआरसी पे है, फिर भी उनका नाम कट गया. तो आर्बिट्रेली कुछ चीज़ें हो रहा है यहाँ पर. आप बोलेंगे कि गलतियाँ तो रह जाते हैं, ठीक है, उसके लिए क्लेम ऑब्जेक्शन पीरियड है, उसके बाद क्या होगा, उम्मीद है हमारा नाम आ जाएगा. ये शांतिपूर्ण जो एजिटेशन था इसपे जिसपे कोई कम्युनल बात नहीं था, लेकिन इस बीच में असम एजिटेशन में कम्युनल बात आया. इसका आया इसी से जिस एजिटेशन में जब वो आरएसएस का इन्फिल्ट्रेशन शुरू हुआ. आरएसएस का इन्फिल्ट्रेशन से ये मोपेन को सही इंडियन सिटीजन का खिलाफ में, ये गब्बैन के खिलाफ में जो आंदोलन होने वाला था, मतलब वो गैर सिटीजन का खिलाफ में जो आंदोलन होने वाला था या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में जो आंदोलन होने वाला था, ये आंदोलन को वो लोग डाइवर्ट करके एक कम्युनल जो एजिटेशन में वो लोग ले गया, जहाँ में वो लोग टारगेट किया ये जो अलग रिलीजन का है वो हिंदू नहीं है या धर्मीय संख्यालघु जो लोग है, मतलब मुस्लिम जो लोग है वो लोग को टारगेट किया, और भाषिक संख्यालघु जो था बंगाली हिंदू वो लोग को भी वो लोग टारगेट किया, या भाषिक संख्यालघु और धर्मीय संख्यालघु ये दो कम्युनिटी का खिलाफ में ये स्टेशन का ये मोड़ को ले लिया, डाइवर्ट कर दिया, ये आरएसएस ने किया है. और उस आंदोलन का बीच में बहुत हिंसक रूप से ये स्टेशन को लोग मैंने कंटिन्यू करने लगा, जिसका रिजल्ट हम लोग देखा है कि नेली में 10,000 से अधिक मुस्लिम लोगों को उधर में खत्म किया, हत्या किया, खून किया. आर्थिक सिर्फ नेली में नहीं है, वो गांवपुर में हुआ, बड़काजुली में हुआ, उस टाइम बहुत सारे जहां मेजोरिटी कम्युनिटी का माइनॉरिटी लोग रिलीजियस माइनॉरिटी पसंद किया था उन लोग का ऊपर अटैक हुआ. और ये जो लुंगी पंटा है, दबन पंटा है या दाढ़ी रखता है या
टोपी लगाता है, मतलब जिसको देखने के लिए सहरा में मुस्लिम है, उसी को ही वो लोग बोल दिया कि ये बांग्लादेशी है, ये पाकिस्तानी है। मुस्लिम मीन्स पाकिस्तानी बांग्लादेशी, ऐसा एक माहौल असम आंदोलन के बीच में आरएसएस ने शुरू किया, तैयार किया। ये माहौल होने के बाद तो असम में हिंसात्मक घटना घटने लगा, बरकाजुली हुआ, उसमें बहुत सारे माइनॉरिटी का माने खून जख्मी इस एजुकेशन में चला। एक बात जो है, आप मतलब एज ऑन टूडे अगर कोई बोलेगा जो सारा का सारा एक्सरसाइज जो वो मुसलमान का एग्जिस्ट में है, अगर कोई बोलेगा तो वो सही बोल रहा है। क्यों सही बोल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। असम में जो आपका एनआरसी अपडेशन हो रहा है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का 6A का तरफ है, मतलब असम एक्ट का बाद में जो सिटीजनशिप का क्लोज एमेंड करके एड किया गया है उसका। तो उसमें 6A में किसको सिटीजनशिप दिया जाता है, जो स्पेसिफाइड टेरिटरी से जो इमिग्रेंट आया है। स्पेसिफाइड टेरिटरी कौन सा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन आ सकता है, बंगाली स्पीकिंग हिंदू एंड बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम आ सकता है। तो बंगाली स्पीकिंग स्पीकिंग हिंदू के लिए उसका लो जितना भी प्रॉब्लम है वो कैब टेक ओवर कर लेता है, कैब विल टेक केयर ऑफ सिटीजनशिप अवेलेबल। लेकिन रह गया कौन, तब सिर्फ मुसलमान। तो इसीलिए ये कोई कॉमनियन बात नहीं है, ये एक्ट ही ऐसा इस टाइप का बात है जिसमें एज ऑन टूडे अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा, पास तो होना ही है क्योंकि कमिटमेंट करके आया है किसी भी पावर, तो सिर्फ एक्सक्लूशन में मुसलमान रह जाएगा जो है, और बाकी जो सब बेसिक राइट्स है ये लोग उनसे ये लोग को डिप्राइव कर, मतलब ये लोग का कोई कोई मैटर में से ना है, ये क्लियर है। और शायद कुछ लोग को डिटेंशन सेंटर में भी डाले, लेकिन पूरा लोग को डालने का तो ताकत नहीं है, स्टेट कैसे खिलाएगा, कहाँ है कौन, ये जो बात है। अभी अभी अगर आप सिंगल पॉइंट एजेंडा अगर बोलते हैं, जो राइट टू फ्रेंचाइज जो है इस लोग का, इस यहाँ से डिप्राइव करना ये लोग का प्राइमरी एम जैसा लगता है। और जब एजुकेशन नहीं मिलेगा, जब हेल्थ केयर नहीं मिलेगा, ये लोग ऑलवेज एक सेकेंड क्लास, मतलब सेकेंड क्लास तो नहीं, एक मतलब एक लेबर क्लास का एक क्रिएशन हो जाएगा, जो चीप लेबर होगा जिसके पास कोई राइट नहीं, वो लेबर होगा ठीक है, लेकिन उसका कोई कोर्ट में जाने का भी, उसका अगर साथ कोई अगर डिप्रेवेशन हुआ उसका तो रीगल रिमेडीज भी नहीं है, मतलब एक चीप लेबर क्लास बनाएगा जिसका पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं। ये एज ऑन टूडे फैक्चुअल बेसिस पे अगर आप एनालिसिस करते हो तो यही नहीं है। तो डी वोटर्स जो लोग है, हम देख सकते हैं कि डी वोटर्स को उसको बहुत सारा राइट्स उसको नहीं मिल रहा है, उसके बच्चों को हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उसका जो डिसेंडेंट को भी अलग अलग का जो मतलब जो जो राइट्स है वो राइट्स नहीं मिल रहा है, ऐसा हालत हम पहले भी देख चुका हूँ। तो अभी जो देख रहा है कि आगे भी जो लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आएंगे वो लोग को तो एक अपील का मौका देंगे, अपील का मौका देने के बाद एक ही चीज हम देख रहा है कि ट्रिब्यूनल से उसको सिर्फ ओपिनियन देंगे कि वो लोग मतलब वो एनआरसी में वो लोग एलिजिबिलिटी नहीं मिला है। जिन लोगों को अगर वहां से ओपिनियन ऐसा आता है कि एनआरसी में उसका नाम आने का एलिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो मतलब उनका जो स्टेटस है या अभी जो डी वोटर्स का स्टेटस है सेम उसका स्टेटस रहेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तादाद में लोग जो लोग को एनआरसी नहीं मिलेगा वो अगर डी वोटर्स में जैसा स्टेटस हो जाएगा, ये पूरा चीज को पूरा जो लोग जो ट्रिब्यूनल में फाइनल सॉल्यूशन तक आने के लिए कितना साल लगेगा, ये हम पिछले जो 20 साल का एक एक्सपीरियंस से हम बता सकता है कि 20 साल में कुछ लोगों का ही जो केस है
जो वो केस फाइनल हो चुका है, मैक्सिमम जो केस फाइनल हम देख सकते हैं कि 17,000 लोगों का जो एक्सपर्टी डिसीजन हुआ है उसके उसको हम देख सकता है, लेकिन जो फाइनल जो वो ट्रायल होने के बाद जो फाइनल हुआ है वो बहुत ही कम लोग जो सिर्फ हम देख सकते हैं कि करीब 30,000 जैसा है। तो इस हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर 1,000 ट्रिब्यूनल भी होंगे तो अगले 20 साल तक ये लोगों को वो केस इस कोर्ट में ट्रिब्यूनल में उसको भागना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल का में उसका जस्टिस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 20 साल तक ये प्रॉब्लम एक झूलते रहेंगे, ये बहुत बड़ा एक इनजस्टिस है। स्पेशली खास करके हम अगर बोल सकते हैं, ये पूरा इंडिया का माहौल को देख के हम बोल सकते हैं कि ये इनजस्टिस सिर्फ मुसलमान के खिलाफ ही होने जा रहा है, बिकॉज ये कि यहाँ जो हम जानते हैं पिछले बार जो बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आया है उन लोगों का कमिटमेंट था कि वो लोग जो सिटीजनशिप बिल 2016 वो अमेंडमेंट बिल जो है वो पास करेंगे, तो इसका मतलब ये है ये पूरा चीज मुसलमान के खिलाफ ही जा रहा है। सिख, जैन, क्रिश्चियन, शरणार्थी जो यहां आए हैं उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है।